तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पहला एग्जाम्पल है, आपको 7 kg का मास गिवन है, आपको 15 kg का ये मास गिवन है, आपको मान लो एक पॉइंट गिवन है, ये 2 m है और ये 3 m है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालो क्या होगा। रूल नंबर वन, जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है वहाँ पे मास मुझे चाहिए ही नहीं है, चाहिए तो लिख लो मास कितना लेना है, 1। मास चाहिए ही नहीं, यूज ही नहीं होता। आस पड़ोस के मासेस यहाँ पर पोटेंशियल लगाएंगे, जैसे ई में आस पड़ोस के मासेस ई लगाते हैं, ऐसे इसमें आस पड़ोस के मासेस इस पे पोटेंशियल लगाएंगे। तो बोलो 7 kg का मास यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा। -g 7 डिवाइडेड बाई 2 की 2 का स्क्वायर 2, -gm/r। बस फिर नेक्स्ट 15 kg यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, -g 15 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये वेक्टर है ही नहीं। जिंदगी कितनी सौखी होगी ना, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं, कोई वेक्टर सब नहीं। हो गया आंसर डन, तो निकाल लेना ये आंसर आ जाएगा -g × 7/2 -g × 15/3। इसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर kg। सॉल्व न्यूमेरिकल आएगा, इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। यही अच्छी बात है स्केलर की, वेक्टर ड्रॉ ही नहीं करना, बस ऐड कर दो आंसर। तो पहला एग्जांपल क्लियर है कि पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलेगी। नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, आपको इसमें एक मास गिवन है 7 kg, दूसरा मास गिवन है इसमें 15 kg, आपको ये जो डिस्टेंस है 4 m, ये डिस्टेंस गिवन है 4 m, आपको पोटेंशियल नेट पूछा जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 3 m। यहाँ पे भी निकाल दो वो कहता है। अब देखो ई में कितना लंबा काम था, पहले ई निकालने के लिए 1 रखो, 7 kg का वेक्टर ड्रॉ करो, इधर अट्रैक्ट करेगा वो इधर करेगा, एंगल लो, ऑल्टरनेट एंगल लो, कॉम्पोनेंट ड्रॉ करो, कुछ करना ही नहीं भाई, स्केलर है वेक्टर बनना ही नहीं। तो बोलो 7 kg का डिस्टेंस इससे कितना है? स्ट्रेट 5 m। तो क्या पोटेंशियल लगाएगा, -g m/5। ऐसे ये भी कितना लगाएगा, -g 15/5। ये लो ऐड कर दो, नेट पोटेंशियल आ गया, डन क्लोज। ये बढ़िया, मैं कहता हूँ कोई वेक्टर नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, कोई पैरेललोग्राम नहीं, बस इधर का मास का पोटेंशियल उधर के मास का पोटेंशियल ऐड करो, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। पोटेंशियल ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू जो F और E है, F और E में थोड़े वैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है।